सभी हमारे फेसबुक के साथी फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे इस फेसबुक लाइव से आप सभी हमारे साथी जो है जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई है और इस वजह से हम लोग जो हैं अभी झारखंड में हैं, और अभी रांची से मैं चतरा जा रहा हूँ। बीच रास्ते में हूँ, वहाँ हमारे पार्टी का नामांकन हमारे उम्मीदवार का भी है। लेकिन इस बीच आप सब लोगों के बीच मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आया हूँ। इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार की धरती पर राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं लेकिन गॉडसों की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो हैं, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो किस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की, केंद्र मंत्री द्वारा सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है, इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं चौक चौराहों पे, जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मारने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है वैसे लोगों को आज जो है जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो दंगाई हैं, उन लोगों को जो है वाइप सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। जो गाली दे रहा है, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जी अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है,
जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, एकमात्र दोषी होंगे। अगर बिहार में अगर दंगा होगा तो उसके दोषी केवल नीतीश कुमार होंगे। हम देख रहे हैं इनकी साजिशों को, और हम लोग सब लोग जो हैं इन नफरत फैलाने वालों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए कि एक नया बिहार बनाना है, भविष्य को बेहतर करना है, जहां बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात ना, महंगाई बेरोजगारी की बात हो, ये बात होनी चाहिए। रोजगार लोगों को मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी जो है बात होनी चाहिए। इसलिए जो भी भाजपा के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बाय इलेक्शन को देखते हुए लोग दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग हार के डर से इस तरह का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम लोग जो है इन चीजों को सहने वाले नहीं हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बिहार में होता है तो एकमात्र जिम्मेवार नीतीश कुमार है। इसलिए आप सभी साथी जो फेसबुक पे जुटे हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप सब लोगों से यही अपील है कि अमन चैन शांति कायम होनी चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक बात होनी चाहिए, जहां सब की बात होनी चाहिए, सबकी तरक्की होनी चाहिए, ऐसा बिहार बने हमारा, उसकी बात होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैं अभी चतरा जा रहा हूं, तो अभी रास्ते में हूं, इसलिए फिर पुनः मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा, अपनी बात को रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार। सभी हमारे फेसबुक के साथी फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे इस फेसबुक लाइव से आप सभी हमारे साथी जो है जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई है, और इस वजह से हम लोग जो है अभी झारखंड में हैं, और अभी रांची से मैं चतरा जा रहा हूं, बीच रास्ते में हूं। वहां हमारे पार्टी का नामांकन हमारे उम्मीदवार का भी है,